हेलो, मैं मीना। होममेड कुकिंग चैनल में आप लोग का स्वागत है। दोस्तों नमस्कार, आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम चल रहे हैं मुरमुरा जो है भुजने, चाय से खाने के लिए बहुत अच्छा लगता है। ये हमारा मान के चलिए कि 100-150 ग्राम मुरमुरा होगा। और ये एक प्याज है, ये चाट मसाला है, और ये जीरा भुना हुआ है बारीक, और ये लहसुन है। तो अब हम चल रहे हैं गैस के तरफ। तो देखिए, हमने गैस को जला दिया है, कढ़ाई रख दिए हैं, गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे। तो ऑयल हमने 1 चम्मच बड़ा डाल लिया है। तो देखिए, हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें हम कड़ी पत्ता डालेंगे। तो अब हम जला दे रहे हैं इसको, और फिर इसमें हम प्याज डाल देंगे। तो अब इसमें हम लहसुन डाल देंगे। लहसुन से हमारा जो है मुरमुरा चटपटा हो जाएगा। तो देखिए, हमारी प्याज करंची और ब्राउन हो गया है। तो अब इसमें हम थोड़ा सा हल्दी डाल देंगे, 1/2 चम्मच से कम। और ये हमारा जीरा पाउडर है भुना हुआ, और ये हमारा चाट मसाला है, और थोड़ा सा इसमें हम काश्मीरी लाल मिर्चा डालेंगे ये फ्लेवर के लिए, और थोड़ा सा तरह इसको चला देंगे। तो अब हम मुरमुरा डालेंगे। देखिए, हमारा मसाला भुना गया है। तो अब इसमें ऊपर से हम नमकीन डाल देंगे, और थोड़ा सा भुना हुआ मूंगफली डाल देंगे। और थोड़ा सा ये हम भुजिया हल्दीराम का नमकीन डाल देंगे। अब अच्छी तरह हम इसको मिला लेंगे। तो ऊपर से अब हम जो है सेंधा नमक डाल देंगे, इससे हमारा और चटपटा नमकीन बन जाएगी। अब अच्छी तरह हम इसको मिला लेंगे। तो देखिए, हमारी नमकीन बनके तैयार हो गई है। अब हम आप लोग को सर्व करके दिखाएंगे। तो देखिए, हमारी मुरमुरा नमकीन बनके एकदम बहुत रेडी तैयार हो गई है। आप चाय के साथ, चुस्की के साथ ले सकते हैं, बहुत अच्छे घर पे आप बना के खा सकते हैं। और सुबह भी बच्चों के साथ, चाहे शाम को, जब भी आपको चाय बनाने का हो समय, तो आप इसको लेकर के खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा बनता है मुरमुरा का नमकीन। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, लाइक करिए। आप लोग को मैं खिला रही हूँ, ये देखिए कितना अच्छा। थैंक यू, धन्यवाद।